बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर पर आज सुबह तकरीबन 5 बजे फायरिंग हुई है और जो सीसीटीवी फुटेज न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगा है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि बाइक सवार दो लोग उस सीसीटीवी में दिख रहे हैं। एक काले रंग की शर्ट पहना हुआ है, जो दूसरा इंसान है वो सफेद रंग की शर्ट पहना हुआ है। दोनों लोग हेलमेट लगाए हुए हैं ताकि उनकी पहचान ना हो सके। इसलिए पूरी प्लानिंग के तहत जो आरोपी थे वो बाइक सवार पे आए थे और दोनों लोगों ने अपने ऊपर हेलमेट चेहरे को छुपाएंगे हेलमेट पहना हुआ है क्योंकि उनको पता है कि मुंबई के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनकी पहचान आसानी से हो सकती है। सलमान खान के घर के बाहर भी तकरीबन 6 से 7 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, यानी कि जो हमलावर थे जिन्होंने गोलियां चलाई हैं उन्होंने सबसे पहले इस पूरे इलाके की और सलमान खान के घर की रेकी की थी। उनको पता था कि कहां कहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कहां कहां उनकी पहचान हो सकती है और कहां उनकी पहचान पकड़ी जा सकती है। इसी वजह से उन्होंने पूरी प्लानिंग की, पूरी इलाके की रेकी की, सलमान खान के घर की रेकी की, उसके बाद सलमान खान के घर पर फायरिंग की है। आज सुबह तकरीबन 5 बजे बाइक सवार जो दो लोग थे उन्होंने इंपोर्टेड पिस्टल से 6 राउंड गोलियां चलाई हैं, 4 हवाई फायरिंग की थी और 2 गोलियां सलमान खान के घर पर और उनकी एक बालकनी में चलाई गई हैं। इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को इससे पहले भी धमकी दी है, उनको जान से मारने की धमकी दी है। और पिछले साल जब सलमान खान का पनवेल में फार्म हाउस है मुंबई से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर, वहां पर सलमान खान को टारगेट करने के लिए बकायदा रेकी भी की गई थी, वही रेकी, उसी तरीके की रेकी, उसी तरीके की प्लानिंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जो जानकारी मिलेगी उनकी इस गोलीकांड में उसका हाथ हो सकता है, वही प्लानिंग यहां पर भी की गई है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो मुंबई पुलिस को लग चुके हैं। अब मुंबई पुलिस सीसीटीवी की मदद से बाइक सवार के लोगों की पहचान करने में लगी हुई है, बाइक का नंबर उसे पहचान करने की कोशिश में लगी हुई है। अगर बाइक का नंबर मुंबई पुलिस को मिलता है तो उसे ट्रेस करना बहुत आसान हो जाएगा कि बाइक नंबर रजिस्ट्रेशन कहाँ का है, फिर वहां तक आरोपी को तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि मुंबई पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में जांच कर रही है और दावा कर रही है कि जल्द से जल्द जो इस हाई प्रोफाइल गोलीकांड में जो सलमान खान के बिल्डिंग और घर के बाहर फायरिंग हुई है उस मामले को वो जल्द से जल्द सुलझा लेगी।